हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जो यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर या मणिपुर यूनिवर्सिटी ने निकाला है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वेजेस वैकेंसी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उसका नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो उस नोटिफिकेशन में जो वेरियस पोस्ट है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, अब ये जो वैकेंसी ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में निकाली गई है। तो यहाँ कोई एक ही सब्जेक्ट नहीं, यहाँ जो है वेरियस सब्जेक्ट हैं और उन वेरियस सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन जो है वो निकाली गई है। तो चलिए हम वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे हम देख लेते हैं। तो वीडियो देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जाए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और आप मेरे कोई भी वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम देख लेते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको। तो जैसे ही आपको गूगल पे टाइप करना है मणिपुर यूनिवर्सिटी, जैसे ही आप गूगल पे मणिपुर यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा सबसे ऊपर सबसे पहली वेबसाइट जो है www.manipuryuniversity.ac.in। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो मणिपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको जाना है इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में इसके बाद नोटिस। तो आपको यहाँ पे नोटिस पे सेलेक्ट करना है। नोटिस पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा रिक्रूटमेंट। तो आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए जो रिक्रूटमेंट नोटिस का ऑप्शन है वो यहीं पे दे रखा है। 16 जुलाई 2020 को इशू हुआ था ये नोटिफिकेशन, जिसमें एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फैकल्टी पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने तीनों पोजिशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सबका जो है वैकेंसी निकाला है। तो आपको बस इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। इस विंडो में इन्होंने अपना डिटेल दिया है। तो इन्होंने देखिए दिया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अ फैकल्टी पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 16 जुलाई 2020 को आया था। ओके, तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है और ये देखिए इसमें डेट जो इन्होंने 18 जुलाई मेंशन की है। इसके बाद आप देख लीजिए जो इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, तो सब में क्या किया इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन निकाली। जैसे अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में 1 जो प्रोफेसर की पोजीशन वैकेंट है, तो इसमें ये जो है एससी कैटेगरी के लिए। ऐसे अगर बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो 1 पोजिशन है वो अनरिजर्व है, मीन्स ओपन है। वही 1 जो पोजिशन है वो एससी की है, एसोसिएट प्रोफेसर में। टोटल 2 पोजीशन है बायोटेक्नोलॉजी में। ऐसे ही अगर हम लोग देखें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में सिर्फ 1 पोजीशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर में। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे लाइफ साइंसेस हो, चाहे मैथमेटिक्स, फिजियो, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी वैकेंसी जो है दी गई है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इसका एप्लीकेशन फी जो है इन्होंने 1000 रुपीज रखा है, जो कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 400 का जो है एप्लीकेशन फी सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने बोला दैट डुली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ फीस सबमिशन मच रीच टू रजिस्ट्रार मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुर इम्फाल। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर लें, उसके बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट्स हो गया, या अगर आपका जो पीएचडी का डिग्री हो गया या नेट का सर्टिफिकेट हो गया, उसके साथ साथ जो आपने फी पेमेंट है तो उसका रिसिप्ट आपको सेंड करना है मणिपुर यूनिवर्सिटी में बाई स्पीड पोस्ट, यानी रजिस्टर्ड फॉर बिफोर 29 अगस्त। 29 अगस्त से पहले आपको जो अपना फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो प्रूफ है फी सबमिशन का, वो आपको सेंड करना है मणिपुर यूनिवर्सिटी में बिफोर 29 अगस्त। इसके बाद अगर आप इसका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड के सेक्शन में जाके। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए इन्होंने दे रखा है
डिफरेंट डिपार्टमेंट, साथ में इन्होंने जो पोस्ट दे रखी है जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ ही साथ इन्होंने वैकेंसी भी मेंशन किया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने पूरा दे रखा है। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन फी ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी में। तो मेरा ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, मैंने आपको बताया कि मणिपुर यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज हैं प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर आप इसमें इसके इच्छुक हैं तो आप इसमें जो है इसका एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो यहीं पे मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।